नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर राष्ट्र है। ये सेकुलर शब्द का अर्थ है कि भारत सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इस संदर्भ में भारत में धर्मांतरण के अधिकार को देखा जाना चाहिए। भारत के कई हिस्सों में धर्मांतरण के बारे में मिलने वाली सूचनाएं आम हैं, लेकिन बल, धमकी और प्रलोभन के आरोप इसे सेंसिटिव बनाते हैं। इस संबंध में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लाया जाता है। हालांकि इस तरह के कानून अक्सर विवादों से घिरे रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा इनका दुरुपयोग किए जाने का खतरा रहता है। खैर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 30 जुलाई को जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक पारित हो गया। बिल को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि साल 2021 में सरकार ऑलरेडी इस पर कानून ला चुकी थी, लेकिन सरकार के मुताबिक यह संशोधन विधेयक जबरन धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। दरअसल गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति यानी कि SC ST के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं मामलों पर राज्य सरकार अंकुश लगाने जा रही है। बदलाव के लिए लाए गए इस विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान दिया गया है। इसमें आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी जानकारी सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। पार्टी को आशंका है कि इससे फर्जी मामले बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने एक सुझाव दे दिया है कि अगर आरोपी व्यक्ति को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है तो झूठी FIR दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे मामले में पुलिसकर्मियों के लिए कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे ऐसे मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने से बचा जा सके। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस प्रस्तावित कानून पर विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि धर्मांतरण और गुमराह कर शादी करने पर पहले से ही कानून है, अतिरिक्त कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहाँ जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून है। अगस्त 2023 तक देश भर में 10 राज्यों में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में ये कानून है। पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र ने भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। यहाँ आपको बता दें कि सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस और जमियत उलेमा ए हिंद जैसे NGO ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती दी है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने तो एक याचिका यह भी दायर की है कि तमाम उच्च न्यायालयों में चल रहे धर्मांतरण विरोधी कानूनों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए। बहरहाल कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुच्छेद 25 अपने धर्म में किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह अगर हम संविधान की मूल भावना को समझे तो जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित है, ना कि स्वैच्छिक। इसके लिए ऐसे कानून होने चाहिए जिससे धार्मिक कट्टरपंथी इसका अनुचित लाभ ना ले पाए। साथ ही राज्य को भी ये समझना होगा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बचाए रखना उनका धर्म है। ऐसे में संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।